रूस और यूक्रेन में ढाई साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे। यहां राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक में मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले पुतिन से मिला था, तब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख से आंख मिलाकर कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मेविंस्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक हुई। उन्होंने ज़ेलेंस्की को भारत आने का भी न्योता दिया। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि दोनों नेताओं ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी बात की। जयशंकर ने कहा कि तेल खरीदी का फैसला मार्केट की हालत के हिसाब से लिया जाता है, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। इसके पहले मोदी ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम भी पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बच्चों के मेमोरियल पर डॉल भी रखी।